नमस्कार दोस्तों मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन आई एस क्लास टेंथ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा जिनमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन क्लास और नोट्स आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इंग्लिश मीडियम में हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है देख लेते हैं नेम द नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर नॉट एबल टू चेंज प्लेस गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टेट तो देखो सबसे ज़्यादा क्लोजली किस में होते हैं सॉलिड में चिपके हुए मोलिक्यूल्स uh, रहते हैं उसके बाद लिक्विड में लिक्विड में थोड़ी थोड़ी दूर रहते हैं और गैस में जो है और भी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं बिल्कुल चिपके चिपके नहीं रहता अपनी जगह बदलते रहते पूरे सब जिसमें भी अगर वो गैस अवेलेबल है जिस भी मैटर में है ठीक है जो भी मैट आ, कोई सा भी चीज़ में अगर हम इसको कैप कैप्चर करके रखते हैं लाइक अगर मैं इस डब्बे में किसी चीज़ को रखता हूँ तो इसमें जितने भी मॉलिकल्स कैस होंगे कैसे होंगे चिपके 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 होंगे अब एक बलून लेता हूँ मैं मान लीजिए बलून बलून में क्या होता है गैस भरी रहती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे दूर 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 रहेंगे ठीक है पास पास नहीं रहेंगे ऐसे कुछ स्टेप्स जैसे मैंने अभी बनाया और लिक्विड में क्या होता है थोड़े क्लोजली होते हैं इससे ठीक है तो अभी यहाँ पे सॉलिड की डेफिनेशन लिख रखी है सॉलिड द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मोलिकल्स आर क्लोजली पैक्ड आर आर नॉट एबल टू चेंज प्लेसेस इज कॉल्ड अ सॉलिड और उसके बाद दो एग्जाम्पल क्या है डायमंड और टेबल सॉल्ट कोई इसे भी दो एग्जाम्पल दे सकते हो सॉलिड सब्सटेंस के डायमंड हो गया उसके बाद आइस का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि आइस में भी क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स फिर धीरे धीरे वो मेल्ट होता है तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है ठीक हाँ है अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या आप ब्रीफली एक्सप्लेन टाइम एज फिजिकल क्वांटिटी टाइम को एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से लेके इतना आंसर जो है आपका ये सफिशेंट है इतना याद कर लीजिएगा काफ़ी है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें से जो है आपके एग्जाम में आ सकता है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है और कुछ वो भी उनको इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थंबनेल वगैरह लगा देते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उनको ऐसा लगता है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके पेपर में आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता किसी को भी नहीं पता होता तो कौन सा पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है ठीक है जस्ट एक आइडिया होता है उसी के तौर पर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देख कर, सैंपल पेपर्स वगैरह देख कर, उसके बाद बनाए जाते हैं ठीक है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री से तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख के अगर सोच रहे हो तो वीडियो देखने के बाद आपको के एक चीज़ और देखनी होगी इसमें भी अभी जो मैं आगे नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको वो नोट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी जो है आपका तभी आप पास हो सकते हैं ठीक है अगर आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन आंसर करके चले जाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे ठीक है मेरी इन चीज़ों को ध्यान रखना अपने और जो जो चैप्टर बताऊंगा खासतौर से उनको करना है अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं स्टेट एनी टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कम्बशन अब दो सिमिलैरिटी और दो डिफरेंस पूछा है तो सबसे पहले दो सिमिलैरिटीज दोनों के बीच में बता दिया है यहाँ पे ठीक है उसके बाद दो डिफरेंस पूछे थे वो दो डिफरेंस भी यहाँ पे बता दिए गए हैं ठीक है स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार लीजिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं डिराइव द SI ऐसा यूनिट फॉर द एरिया ऑफ अ सर्फेस ठीक है ऐसा यूनिट निकालने के लिए बोला था तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किसी भी सरफेस का एरिया निकालने के लिए क्या होता है लेंथ इन ब्रेथ होता है यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला दिख रहा होगा ठीक धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीनशॉट शॉट मानना स्क्रीन मान लेना नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से मेंशन एनी टू टॉपिक टू पॉइंट्स हाउ आर क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मरकरी थर्मामीटर व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट ऑन द सेल्सियस इसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो इसको भी पढ़ लेना है आपने स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा सबसे पहले पॉइंट में आपको रेंज बता रखी है उसके बाद जो है सेंसिटिविटी बता रखी है और उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है तो इसको देख लेना है आपने ठीक है hmm. इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं व्हाट इज़ मीन बाय बायोनोमियल नॉमन क्लैचर टेकिंग एनी टू एग्जांपल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्टिफाई द नीड फॉर यूजिंग बायोनोमियल नॉमन क्लैचर तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है ठीक है तो ये देख लेना है आपने बाकी मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम में भी लाने की अगर हिंदी मीडियम में ला पाऊँ तो ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन आ जाता है व्हाट आर वीड्स वीड्स क्या है गिव टू एग्जांपल दो एग्जांपल देने हैं डिस्क्राइब एनी वन मेथड अदर देन मैनुअल बाय और बाय प्लॉग कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है वीड्स होते क्या हैं उसके बाद यहाँ पर मैथड आपको बता दिया गया वन मैथड फॉर रिमूविंग ग्रोथ ऑफ फीड्स वाइल लिविंग डिजायरेबल प्लाट्स ठीक है तो इस तरीके से आपको यह बता रखा है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हेट पे चलते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट क्या है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन क्या होता है डिफोरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन दोनों याद रखना आपने हाउ इज डिफोरेस्टेशन रिलेटेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सॉइल गिव एनी थ्री पॉइंट्स अब यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है कुछ डायग्राम्स भी हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दो तीन मैंने इसमें डाल रखे हैं और भी हैं वाई कांट वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज क्यों नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या है द ऑर्बिट ऑफ द सेटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर वट इज़ द इंसिलेशन ऑफ इट्स ऑर्बिट वट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इट स्ट्रेट टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन अब यहाँ पर आपको यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा इंस फटाफट पट से स्क्रीन शॉट मारते रहिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा ठीक पट है फटाफट से स्क्रीन शॉट मारते हुए चलिएगा मैं रोकते हुए चलूंगा और अगर आपको इनकेस लगता है कि वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप उसके इसमें क्या कर सकते हो यूट्यूब पे एक फ़ीचर दिया रहता है सेटिंग में जाके स्पीड वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट कर सकते हो अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा स्लो हूँ तो आप वहाँ से जाके फास्ट कर सकते हो और अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर सकते हो वहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन पर चलते हैं वाई आर फास्ट न्यूट्रॉन्स नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन शॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और ये जितने भी डिफरेंस बिटवीन आपको दिखेंगे वो सारे डिफरेंस बिट्वीन तो आपको जरूर करने हैं वट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इमीग्रेशन एंड एमीग्रेशन एंड इमीग्रेशन वट इज़ देअर रोल ऑन द साइज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अब यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है देख लेना आपने थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई आर मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर नेम एनी सॉरी नेम वन और ऑफ जिंक मेटल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑबटेनिंग जिंक फ्रॉम विद दिस और विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है वो देख लेना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसको देख लेना है आपने ठीक है फिर आपका यहाँ पर रिडक्शन आ जाता है केमिकल इक्वेशन वगैरह दे रखी हैं अच्छे से देख लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ज़रूर करना है आपने राइट इट्स केमिकल फार्मूला नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको कर लेना है ठीक है इसके थोड़ा सा और लिखा हुआ है स्क्रीन फटाफट फड़ से मान लीजिए स्क्रीन आगे बढ़ते हैं यहाँ थोड़ा सा और रह गया वो भी देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और फिफ्टीन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इनके आने के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बट इज़ बेकिंग पाउडर वाई इज़ इट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स एक्सप्लेन इसका यूज़ क्यों बेकिंग पाउडर का यूज़ क्यों होता है केक बनाने में वो पूछा हुआ है तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है बेकिंग पाउडर क्या है वो बता दिया है उसके बाद क्यों यूज़ होता है पाउडर बेकिंग पाउडर केक में ये बता रखा है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में ये नहीं बोलूँगा यही क्वेश्चन आएगा लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये आप इसको आप इससे आपको आइडिया मिल जाएगा एन एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर ट्वेल्व एंड एलिमेंट बी हैज़ एटॉमिक नंबर एट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड दे विल फॉर्म गिव रीज़न फॉर योर आंसर ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आता है और हंड्रेड परसेंट आएगा ऐसा क्वेश्चन तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो होगा उसको पढ़ लेना अपने अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट भी आपको दे रखा है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक है अब यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे बढ़ते हैं ठीक है फटाफट से स्क्रीन ले लो अब यहाँ से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा इनको क्वेश्चन नंबर सेवनटीन राइट डाविंस टू मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिगार्ड टू एवोल्यूशन वट इज़ द फंक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद विच ग्रुप ऑफ एनिमल डू ह्यूम शेयर देयर इमिजिएट एस्टर अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है स्क्रीन शॉट मान लिया होगा आई होप आपने अब तक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ये आंसर का स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन का स्क्रीन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आंसर लिखा हुआ यहाँ पे और हम किसके साथ कंपेयर करते हैं अपना तो हम एपीज़ के साथ कंपेयर करते हैं चिमपनजी वग़ैरह जो हो गए बोलते हैं ना हम कि बंदर हमारे पूर्वज थे तो वो उन्हीं से हम कंपैरिजन करते हैं अपना कि ये जो है एनिमल जो है हमसे बिल्कुल सिमिलर है इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर डिस्क्राइब द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स थर्मल एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन अ लेक ऑफ वेरी कोल्ड रीजन डू नॉट डाई इन सेवर विंटर डिस्पाइट अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक ठीक है तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया इसको देख लीजिए अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आंसर लिखा हुआ है इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आज शाम को एक मैराथन क्लास होगी पेंटिंग की अगर आपके पास पेंटिंग है तो उसकी मैराथन क्लास ज़रूर लें क्योंकि उसको करने के बाद जो है आप पेंटिंग में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं डाटा डाटा एंट्री की भी मैं ज़रूर करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर चलते हैं ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है स्टेट द पॉसुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम हाउ डज द मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ठीक है अब यहाँ पे आपको तीन पॉस्टूलेट देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोर सर्कुलर ऑबिट एंड एन एनर्जी शेल्स ऑफ एन ऐटम इसका आंसर आपको दिख रहा होगा आगे बढ़ते हैं सी पार्ट आ जाता है अब इसका द एटमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एज चैन डिस्ट्रीब्यूट दलैक्ट्रॉन्स इन इट्स डिफरेंट एनर्जी शेल्स एंड फाइन इट स्वलेंसी एलिमेंट ए रिएक्ट विद एलिमेंट ए रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन शॉट फटाफट फड़ से ले लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब यहाँ से आपका जो है डाइग्राम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ये डायग्राम्स आपको ज़रूर करने हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये फ्लावर वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाई फ्लावर इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके ठीक है तो इस फटाफट से इस डायग्राम का भी स्क्रीन ले लीजिए ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसको भी आपको कर लेना है ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमीबा का फिजन बाइनरी फिजन इन अमीबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइग्राम है ठीक है इसके आने के बहुत इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके बाद आ जाता है आपका बर्डिंग इन हाइड्रा ठीक है तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं अब जो है नोट्स कैसे डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ और इन क्वेश्चन को डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपने बात करने वाले कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वेटेज कितनी कितनी है तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ दिख रहा होगा कौन सी मॉड्यूल जो है कितने मार्क्स की आएगी और आपका एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर का सॉरी साइंस का वो एटी फाइव मार्क्स का होगा इसमें फिफ्ट और फिफ्टीन मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल के हैं और एटी में से सेवनटीन मार्क्स जो है आपके टी एम ए के लग जाएंगे ठीक है तो सेवनटी में से आपको टी एम ए में से मिलेंगे यानी कि बचते हैं आपके सिक्सटी एट मार्क्स सिक्सटी एट मार्क्स का आपका थ्योरी होगा एक तरीके से उस एटी फाइव को सिक्सटी एट मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ट्वेंटी परसेंट होता है आपका थ्योरी का ट्वेंटी परसेंट मार्क्स जो होता है टी एम ए होता है ट्वेंटी मार्क्स नहीं होता ट्वेंटी परसेंट होता है ठीक है तो सबसे पहले जो है चैप्टर वन मॉड्यूल वन कितने मार्क्स का है चार मार्क्स का है हम साथ साथ देखते चलेंगे जिसमें हमारे कम चैप्टर्स होंगे और ज़्यादा मार्क्स के होंगे वो चैप्टर्स करने हैं हमने ठीक है तो मॉड्यूल वन हमारा चार मार्क्स का है देखते हैं कितने चैप्टर है मॉड्यूल वन में तो मॉड्यूल वन में हम देखते हैं एक ही चैप्टर है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये वाला चैप्टर आपने ज़रूर करना है क्योंकि ये कर लेंगे तो चार मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे ठीक है तो चैप्टर वन आपको कर लेना है इसके नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं और एक वीडियो भी डाल रखी है उसके बाद मॉड्यूल टू आ जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नंबर ऑफ लेसन सात लेसन है इसमें ठीक है तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कितने मार्क्स का आएगा ट्वेंटी टू मार्क्स का आएगा ठीक है तो अभी इसको होल्ड करके रखते हैं इसको करना है या नहीं करना अभी देखेंगे हम ठीक है तो सबसे पहले जो है वन जो है आपको करना है मॉड्यूल वन यानी करनी ही करनी है आपने ठीक है उसके बाद मॉड्यूल थ्री आ जाती है मॉड्यूल थ्री तो मॉड्यूल थ्री जिस पर टिक लगाऊंगा ना वो मॉड्यूल आपको पक्का करनी है तो मॉड्यूल थ्री में तीन चैप्टर है और कितने मार्क्स का आ रहा है सात मार्क्स का आ रहा है इसकी भी वेटेज थोड़ी सी कम है उसके बाद मॉड्यूल फोर और मॉड्यूल फाइव में भी सात सात चैप्टर है और पंद्रह पंद्रह मार्क्स के आ रहे हैं ठीक है ठीके? उसके बाद मॉड्यूल सिक्स देखेंगे उसमें तीन चैप्टर है और दस मार्क्स का आ रहा है तो यानी कि हमें मॉड्यूल सिक्स करनी ही करनी है ठीक है तो मॉड्यूल सिक्स करेंगे आप और उसके बाद मॉड्यूल सेवन देखते हैं मॉड्यूल सेवन जो है चार चैप्टर है बारह मार्क्स का आ रहा है तो ये भी मॉड्यूल सेवन भी आपको करनी ही करनी है ठीक है तो कौन कौन से मॉड्यूल करनी है आपको और ऊपर वापस से चलते हैं मॉड्यूल टू पर मॉड्यूल टू भी आपको करनी है ठीक है अब यहाँ से मैंने जो बताए हैं वो तो आपको करने हैं अब मॉड्यूल थ्री फोर और फाइव में से कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं बताऊँगा आपको ठीक है तो यहाँ पे आप ये मॉड्यूल टू में से सात के साथ चैप्टर तो अभी कर नहीं पाएंगे इतना टाइम बचा नहीं है तो आपको कौन कौन सा अभी करना है मॉड्यूल वन आपको पक्का कर लेना है मॉड्यूल सिक्स आपको तीनों के तीनों चैप्टर करने हैं मॉड्यूल सेवन में आपको चारों के चारों चैप्टर कर लेने हैं ठीक है अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूल टू में से आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं ठीक है तो मॉड्यूल टू में से आपको चैप्टर नंबर थ्री करना है ठीक है मॉड्यूल टू का चैप्टर टू यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये वाला चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आपको करना ही करना है ठीक है इस चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं कौन सा चैप्टर आ जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर ये वाला छोड़ देना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरिएश सेल्स तो ये भी आपको कर लेना है ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी तक मैंने कौन कौन से ज़िए? आपको चैप्टर बताए हैं वो बता देता हूँ दोबारा मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया है मॉड्यूल वन फाइव और सिक्स तो सॉरी मॉड्यूल वन और सिक्स सेवन ये मॉड्यूल आपको करनी है मॉड्यूल वन सिक्स सेवन ये आपको करनी करनी है पास होने के लिए बता रहा हूँ अभी मैं सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है मॉड्यूल वन सिक्स सेवन ये मॉड्यूल आपको करनी है उसके बाद चैप्टर मॉड्यूल टू में से कौन कौन सा चैप्टर करना है आपको चैप्टर सिक्स सॉरी चैप्टर थ्री और चैप्टर सिक्स आपको करना है ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं आगे मॉड्यूल थ्री पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ये आपको करना है यही हमारा चैप्टर सिक्स है उसके बाद जो है आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर भी कर लेना है ठीक है अब यहां पे आ जाते हैं मोशन एंड डिस्क्रिप्शन ये नहीं करना आपको फोर्स एंड मोशन ये चैप्टर करना है आपने ग्रेविटेशन करना है आपने यहां से ठीक है उसके बाद मॉड्यूल फोर पे चलते हैं मॉड्यूल फोर में से आपको कौन सा करना है वर्क एंड एनर्जी कर लेना है सोर्स ऑफ एनर्जी इजी चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा लर्नर्स गाइड में से सॉरी uh, नोट्स जो प्रोवाइड करूँगा उसमें से वर्क एंड एनर्जी उसके बाद थर्मल एनर्जी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइट एनर्जी भी कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये आपको करना ही करना है जो बता रहा हूँ वो करना है ठीक है वर्क एंड एनर्जी करना है मॉड्यूल टू में से और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये करना है आपने ठीक है ये दो चैप्टर आपको मॉड्यूल फोर में से करने हैं ठीक है थीके? और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है उसके बाद द मॉड्यूल फाइव जो आ जाता है दा, द लिविंग वर्ल्ड उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको करना है वो बता देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है ये कर लेंगे आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये कर लेना है आपने और इस चैप्टर में से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लाइफ सैलेंट टिश्यू है इसमें से आपको क्या कर, प, पढ़ना है बायोकेमिकल डी एन ए पढ़ना है आपने इसमें से ठीक है लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है ये लाइफ प्रोसेस वाले तीनों चैप्टर आपको कर, कर लेने हैं ठीक है थीके? इस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक आ जाता है आपका हेरिडिटी तो यहाँ मॉडल फाइव में से आपको फाइ हेरिडिटी रिप्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये चैप्टर आपको कर लेने अब तक मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है इसके बाद आप बात करते हैं नोट्स की तो नोट्स जो है आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे आपको ये नोट्स दिए गए हैं इनमें से पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो तो ठीक है तो इनमें से आप पढ़ लीजिएगा कुछ चैनल्स वाले आपको यही चीज़ आपको बेच रहे हैं और ये लर्नर्स गाइड है इसमें आपको नोट्स बनाए बनाए मिल बने बनाए मिल जाएंगे और इसी को वो आपसे आपको बेच रहे फोर्टी नाइन रुपीज़ में तो उनसे ना परचेज़ करें अगर आपने परचेस कर लिया है तो उन्हें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि आपके पैसे रिटर्न कर दें क्योंकि ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है वेबसाइट पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो इन लोगों से बचकर रहे जो आपको मीठा मीठा बोल के यही जो फ्री की चीज़ें वो बेच रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अस हैव अ नाइस डे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें